वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ईवी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले ओला S1 प्रो जनरेशन 2 की मेन स्टैंड की, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस स्टैंड को कहां से मैं परचेज किया और कहां से लिया और कितने रुपए में लिया और कहां से लगवाया, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहें। इस स्टैंड को काफ़ी ढूंढा फिर भी नहीं मिला, फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन पर भी देखा दोस्तों, पर उसमें भी नहीं मिला। इस फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सिर्फ और सिर्फ ओला S1 प्रो के ही स्टैंड अवेलेबल था, बाकी एयर का भी था पर इस स्कूटर का ओला S1 प्रो जेन 2 का नहीं था। फिर मैं ओला ऐप पे भी देखा तो उसमें भी नहीं मिला। ओला एक्सपीरियंस सेंटर में भी गया दोस्तों, उससे बात किया तो उन्होंने बोला कि 1000 रुपये का खर्चा आएगा, मेन स्टैंड मैं बुक कर देता हूँ, थोड़ी दिन बाद में आ जाएगा, पर दोस्तों मैंने मना कर दिया। फिर मैं ऑटो पार्ट्स की दुकान में चला आता हूँ, जहाँ पर स्प्लेंडर या तो एक्टिवा इस सब की पूरी पार्ट्स मिलता था। उधर गया दोस्तों तो उधर पूछा मैं कि ओला S1 प्रो जनरेशन 2 का मेन स्टैंड मिल जाएगा, तो बोला हाँ मिल जाएगा, तो उससे मैं लिया दोस्तों। इसकी प्राइस बताया मात्र 450 रुपया, पर ओला एक्सपीरियंस सेंटर में पूछा तो 1000 रुपये मुझे बताया, पर सेम स्टैंड उसी की तरह ही लग रहा था जो कि ओला ऐप पे मैं देखा था। तो दोस्तों मैं फिर ले लेता हूँ और फिर मैं घर चला आता हूँ। इस स्टैंड के साथ में दोस्तों एक स्टैंड मिला और 2 बूस्ट और 2 क्वार्टर पिन मिला, एयर एक स्प्रिंग मिला, जो कि सेम ओला S1 प्रो की ही तरह सेम स्टैंड के साथ में जो सामान आता वही सब मिला। इस स्टैंड को किसी मैकेनिक से नहीं लगवाया, बल्कि मैं खुद इस स्टैंड को अपने हाथों से इस स्कूटर में लगाया हूँ। इस स्टैंड को लगाने में काफ़ी दिक्कत आई दोस्तों, क्योंकि इस स्टैंड के जो स्प्रिंग है जो कि बहुत टाइट होता है, जो कि बहुत टाइम लगा इसे, क्योंकि इस स्प्रिंग का हुक बना हुआ दोस्तों उसमें डालने में बहुत दिक्कत आता है, इसलिए बहुत टाइम लगा। जब आप ओला S1 प्रो जेन 2 की मेन स्टैंड लाने जाओगे दोस्तों, उसमें आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना, ओला S1 प्रो की जो स्टैंड आती है दोस्तों उसमें स्प्रिंग हुक उल्टी साइड होता है और इसमें सीधी साइड लगाओ, जिस साइड में आप पैर रखते हैं उस साइड में आप हुक देख के इस स्टैंड को लीजिएगा। इस वीडियो में आप देख रहे हैं जहाँ पे लाल कलर का निशान लगाओ उसी तरफ आपका हुक आना चाहिए, तब आपका जाके इस स्कूटर में ये स्टैंड सेट हो पाएगा। जब मैं इस स्टैंड को लाया था और लगाया था उस समय ना तो मैं कोई फ़ोटो लिया और ना ही मैं कोई वीडियो बना पाया, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कोई फ़ोटो या तो कोई वीडियो नहीं दिखा पाया। जब लग गया दोस्तों उस समय का ये वीडियो है। बस इतना ही ध्यान रखना दोस्तों, जो मैं वीडियो में बताया हूँ वो स्प्रिंग हुक को ध्यान में रख के ही लेना, क्योंकि ओला S1 प्रो और ओला S1 प्रो जेन 2 का स्टैंड चेंज है, और ओला S1 प्रो जेन 2 का स्टैंड ओला S1 प्रो से थोड़ी बड़ी भी है, हाइट में लगभग 1 से 1.5 इंची का फ़र्क आता है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँचे। जब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।